तो आप सड़कों के किनारे भी देखेंगे तो ये देखिए पूरी व्हाइट पट्टी कर दी गई है, पूरी ये हो गई है बेदिखाल से कदोला तक हो गई है पूरी व्हाइट पट्टी। बाकी मौसम की बात भी की जाए तो बहुत ही अच्छी सी धूप आ रही है और शाम के बज रहे हैं 5:30। तो भाई दोस्तों यहाँ पर मम्मी से मिली है, मम्मी ने भी यहाँ पर गुड़ाई कर दी है मंडुए की जो हमने परसों लगाया था। ये देखो उस दिन पीला पीला हो गया था ना, और अब देखिए भाई कितना अच्छा हो गया है ये हरा भरा, है ना मम्मी? यस कैसे हो रहा था गुड़ाई में? बहुत अच्छा कितना अच्छा लग रहा है ये वाला तो, पता उससे भी है अच्छा लग ना। रहा है, उससे भी अच्छा लग रहा है ये। हाँ बस अब वो भी ऐसे ही हो जाएगा ये वाला भी। काफी गैप भी है ना इसमें, तो इसकी नहीं, टहनी है खाने दो, से क्या नहीं होगा। सही बात है। तो दोस्तों इसकी टहनियाँ भी काफ़ी मोटी मोटी होंगी, और हमने यहाँ पे मक्का बो रखी थी ना तो कुछ भी नहीं होने दे रहे भाई बंदर। ये देखो पूरा हमने घास के लिए काट दिया, एक भी मक्का नहीं है। जब तक इस पे लगे रहते तब तक तो पूरे तोड़ के चले जा रहे हैं बंदर। बाकी मम्मी ने यहाँ पर भी फेंक रखा है भी घास, इसको भी ले जाएंगे। मतलब वहाँ सुखाने के लिए नहीं रखा है हमने ऊपर, वहाँ नीचे से मम्मी से काट नीचे से मम्मी ने काटा होगा तो वहाँ पे रख दिया है, तभी उसे भी ले जाएगी मम्मी घर पे। तो चलो आप आओ, मैं जा रहा हूँ बेदिखाल, कुछ लाना है आपके लिए। तो भाई दोस्तों मुझे आधे रास्ते में यहाँ पर देखिए कौन मिला है, गेस करिए कौन है। अभी शक्ल मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, देखो भाई कौन है। और ये देखो भाई इतना बड़ा पर्वत लेके आ रहे हैं, खुद भी पर्वत जैसा है उनका शरीर है और उतना ही खतरनाक पर्वत भी ला रहे हैं। हेलो कैसे हो? बस बढ़िया है, आप कैसे हो? हम भी बढ़िया, और घर में सब बढ़िया? बस, और आपके घर में सब बढ़िया? सब बढ़िया। कहाँ मतलब जा कल रहे काम हो? की छुट्टी रही होगी नहीं, तो काम उसका की कसर छुट्टी नहीं आपने। थी, काम की छुट्टी नहीं थी। सुबह घास फूस लाई, अच्छा मतलब शाम की तो वैसे भी मेरी छुट्टी ही रहती है, अच्छा लेकिन आज गई मैं जरा देखने के लिए रोड को। अच्छा और बाकी क्या हो रही है? धूमधाम बस दीदी कुछ ये नहीं हो देखो, रही तुमको ही धूमधाम, ये मुश्किल देखो। अगली हो रहा कि हमारी, और उसके लिए ठंगरी ले जा तब रही हूँ। ठीक है, थंगड़ी दे जा रहे हो तो जब ठंगड़ी ठंगड़ी ले जा रही हूँ, पर बंदर जब खाने नहीं गोदड़ी देंगे। लगेंगी तो गोदड़ी हमें भी देना। हाँ खाने नहीं देंगे बंदर, अरे खाने अपने देंगे यार, बदले का करना है बस बहुत बढ़िया। आ कहाँ से बस ला रहे हो आप बस ये? वो रोड के नीचे से, मसड़ों से अच्छा घूमने बहुत बढ़िया। गई है। हाँ मैंने सोचा चलो एक ठंगरी ले जाती हूँ। तो भाई दोस्तों पहाड़ों में ऐसे ही ले जाई जाती है हाँ ठंगरी, तब इस पे ही अभी जाती है देखो, बेल। हाँ ये देखो इस पे लगनी है गदड़ी, गुदड़ी लगेगी, खतरनाक झटाक बाहुबली से हमारी गीता गदड़ी दीदी। ये देखो भाई, ये देखो उठा दिया उन्होंने। हाँ ये भाई, ये भाई, ये भाई, लगेगी। आराम से आराम से। ये हाँ देख पिछना कोणी मानो जो मेरा दिन लगनो। एक बार ना जब भयमुन रह जाए ना तो उस हाथ बिगड़ जाओ। हाँ अरे ऐसे ही होता है बुला, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ये देखो ऐसे ही हमारी होता गीता है। दीदी, ये देखो देखो जरा खुद ब तुम, खुद। घर यो भाई आराम से रे पहलवान। घर पे आराम। चलो ठीक है जाओ बाकी आप, इससे फिर बाय बाय बाय। बाय। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ संजय रावत और आप सबका स्वागत है संजय रावत ब्लॉग्स में। आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों भी एकदम फर्स्ट क्लास है, और आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। शाम के 7 बज चुके हैं और मैं बेदिखाल आ रखा हूँ। तो आज बेदिखाल का मौसम भी एकदम ठंडा ठंडा हो गया है। अभी जब तक मैं घर पे था तब तक हल्की थोड़ी बहुत धूप ही थी, और अब इतना ठंडा मौसम हो गया है कि आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए भाई बेदिखाल का मौसम कुछ ऐसा हो गया कि बारिश आने वाला। और बाकी मेरे साथ कौन जुड़े हैं यहाँ पर, आप देखिए, मिले यहाँ पर हमारे सौरभ भाई से। और सौरभ भाई कैसे हो आप? सब बढ़िया, घर में सब बढ़िया? सब बढ़िया। आप बताओ। बस हम भी बढ़िया। और सौरभ भाई भी बोल रहे हैं उनकी भी तैयारी है, मतलब अरे 1-2 दिन बाद। हाँ, तो आप कौन सी जगह जा रहे हो? फरीदाबाद हरदवा। जा रहे हैं हमारे सौरभ भाई। तो एक खाली सौरभ भाई रह गए हैं, वो भी कल जाने वाले हैं, कल परसों में। तो आप बहुत याद आओगे सौरभ भाई, और ब्लॉग भी देखना वहां जाके, ठीक है, पक्का ठीक देखेंगे है? ब्लॉग। बिल्कुल, और सपोर्ट जरूर कीजिएगा अपने ठीक दोस्तों के है, साथ भी, शेयर ओके, शेयर सब्सक्राइब, करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। बाकी दोस्तों आप यहाँ पर भी देखेंगे तो आवारा पशु भी ऐसे ही घूमने पे लगे हैं, और आजकल तो इनके लिए भी अच्छा हो गया हरा चारा, ये थोड़ा घास वगैरह खा ही दे रहे हैं। और ताऊ जी भी लगे हैं यहाँ पर सिलाई करने पे, ये ताऊ जी की दुकान है यहाँ पर। बाकी इनका पेट अभी तक नहीं भरा, ये भी लगे हैं घास खाने पे। अरे तो बरसात का ही टाइम रहता है इनके लिए अच्छा, जब हरा घास हुआ रहता है, नहीं तो ये भी ऐसे ही रहते हैं, कागज़ वगैरह खाते रहते हैं, पॉलिथीन वगैरह। तो एक यहाँ पर भी। तो भाई दोस्तों हम बेदिखाल में पहुँच चुके हैं, शाम का नज़ारा देखिए कुछ बेदिखाल मार्केट का, लोग घूम घाम के आ रहे हैं। अलग अलग वो काफी भीड़ नजर आने रहे उन्हें।
है ना, और अकॉर्डिंग नमस्ते एक गाड़ी के पास अभी भी चलते इस गाय को देखेंगे दोस्तों। आप ये देखिए कैसे गत्ता खा रहा है ये। चाचा जी तो मुली ले जानी हूँ, चाचा जी बोले से हल लगाने के लिए ले जाओ। बस ये देखो इस कितना हरा घास हो रखा है, लेकिन इसको आदत पड़ी है गत्ते खाने की, कागज वगैरह देख खाने पे ही लगा है। खा रे खा, मजा आता है। पता बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रहा बेदिखाल बैंड, यहीं तक है सड़क। और यहाँ पर हमारे निपेंद्र भैया भी मिल चुके हैं। बढ़िया है, आप कैसे हो? आप बताएं, सब घर में कुछ मंगा? सब बढ़िया, आपके घर में सब बढ़िया? आनंद है प्रभु। और सब प्रभु कृपा, कहाँ जा रहे हो? बस यहीं तक आपकी नगरी में। प्रिया ने भी शटर डाउन कर दिया। तो भाई दोस्तों आप इस साइड को देखेंगे तो ये देखिए कितना भयंकर वाला मौसम हो गया है। और बाकी आपको आज मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये रहा हमारा प्यारा सा मार्केट, बेदिखाल मार्केट। ओ मेरी माटी, ओ मेरू पानी हे माँ, तो दोस्तों हमने ले ली है दो दो आइसक्रीम ऐसे मौसम में, हम भी खा रहे हैं आइसक्रीम। नहीं होगा भैया, पचा देंगे हम सब, पचा देंगे हम। तो भाई दोस्तों ये रही हमारी चोकोबार आइसक्रीम, और आनंद लेते हैं हम चोकोबार आइसक्रीम का। बहुत टेस्टी हो रही है भाई दोस्तों, और मौसम इतना ठंडा हो रखा है जैसे सर्दियों का टाइम हो रखा होगा। ऐसे मौसम में हम भी आइसक्रीम ले रहे हैं। हाँ, आइसक्रीम के मजे कैसे लग रही है तो सर भाई? बहुत बढ़िया, चलो इतनी अच्छी, चलते हैं मिल्क जैसी। तो दोस्तों ये दोनों तो बैलों की जोड़ी है, एक बैल ये है, एक बैल उधर खड़ा है। किसी को चाहिए होंगे तो ले जा लो भाई, पता नहीं किसने छोड़ रखे हैं। तो चलिए भाई दोस्तों अब हम चलते हैं बेदिखाल से घर को, मैं और सौरभ भाई। तो चलिए अब सौरभ भाई चलते हैं, चलो। और ये देखिए दोस्तों अब हम घर की ओर प्रस्थान करते हुए, अभी आइसक्रीम खाए थे खाते ठंडे हुए। ठीक है, ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा मौसम है, और यहाँ बच्चे बने हमारे गाँव में। यहाँ से हमारे गांव के लिए सड़क पक्की हो रखी है, ये देखिए वाइट पट्टी भी लग चुकी है, देख सकते हैं आप मौसम का मिजाज कितना अच्छा हो रखा है। और ये बोर्ड भी लगे हैं, और यहाँ पे मशीन खड़ी है, क्या बोल दी पता नहीं, पॉपलाइन मशीन खड़ी हो रखी है, और ये बोर्ड भी लग चुके हैं, साइन बोर्ड, एरो बोर्ड, साइन बोर्ड, एरो बोर्ड, सारे बोर्ड लग चुके हैं। और मौसम देखिए वहाँ के मस्त सीनरी आनी यार, वाई गोड वाई गोड। और देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, इस मौसम के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं नज़ारे देखने के लिए। इतना अच्छा मौसम, ब्यूटी इज ब्यूटी। वही देखिए साइन बोर्ड भी लग चुके हैं, आगे के भी दिखाएंगे, ये देखिए साइन बोर्ड।
मौसी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हो? देख जरा भी आएगी कि नहीं भी आएगी? अरे भी आएगी जब उसका टाइम होगा। एक तरफ दीवान सुरक्षा में दीवान सुधिया में ना भी। और भाभी जी, भाभी जी चला बोल बोल। हाँ यार मेरा दावा जीव लोग बोया नहीं। हम तो खुद फीलिंग ये देखिए साइन बोर्ड लग चुके हैं दो दिल्ली के साइड। हमारे साइड कब तक लगेंगे पता नहीं। चल रहा है कार्य चल रहा है कार्य प्रगति पे चल रहा है। जल्दी से काम सक्सेस हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा नजारा है। क्यों तक देखा आप आ रहे हैं ना दिनों का दो दिल्ली के लड़के भाई। दिल्ली पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पे वॉलीबॉल चल रहा है। लोधली गांव, लोधली गांव को लोधली गांव को पहुंच चुके हैं हम। अपना गांव दिखाते हैं। मौसम देखिए कितना हसीन खिलाड़ मस्त कितनी ब्यूटी। हाँ देखिए मौसम कितना हसीन कितनी ब्यूटी कितने क्लियर की है। अब शाम का टाइम हो चुका है तो लोग इतना ही हमें खत्म करते हैं। तो भाई दोस्तों हम बेदीखाल से पहुंच चुके हैं घर पे और थोड़ा ऐसे ही इवनिंग वॉक पे चलते हैं। मैंने बोला अभी टाइम थोड़ा बहुत अभी रात एकदम नहीं हुई है थोड़ा सा टाइम है तो थोड़ा टहलते हैं। तो मैं और मेरे साथ है यहाँ पर सौरभ भाई और सौरभ भाई ने दिला दी हमें ये देखो कचरी। तो जिस किस किसने खाई है भाई ये कचरी कमेंट जरूर कीजिएगा। कैसी होती है कचरी दिखा दो जरा सौरभ भाई। ऐसी होती है? नहीं नहीं दिखा दो कैसी होती है। मैंने बोला कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा ये कचरी क्या हुई। ये देखो भाई नूडल टाइप में रहते हैं बहुत अच्छी हो रही है मस्त। चलो ठीक है।